सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय आधार कार्ड को जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता नहीं। सुप्रीम कोर्ट हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आधार कार्ड को जन्म तिथि प्रमाण के रूप में मानने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति की उम्र प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके लिए अन्य दस्तावेज जैसे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस नियम केस ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें एक सड़क दुर्घटना पीड़ित की उम्र का निर्धारित आधार कार्ड के आधार पर किया गया था। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अंतर। मामले की शुरुआत तब हुई जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकार MACT के एक फैसले को पलट की दिया। MACT ने दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति की उम्र का निर्धारण स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के आधार पर किया था और मुआवजे के गणना उसी आधार पर की थी। हालांकि हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए आधार कार्ड में दी गई उम्र के आधार पर मुआवजा राशि को कम कर दिया। मृतक की उम्र को 47 वर्ष मान्यता हुई। मुआवजा घटाकर 9,22,000 रुपये तक कर दिया गया था, जो पहले अधिक था। इस फैसले के खिलाफ मृतक के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने हाई कोर्ट के निर्णय को रद्द कर दिया। पुनः MACT के फैसले को बहाल किया। UIDAI के दिशा निर्देश आधार कार्ड का सीमित उपयोग। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकारी द्वारा जारी दिशा निर्देश का भी उल्लंघन किया है। UIDAI के 8/2023 परिपत्र में स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड पहचान प्रमाण पत्र के रूप में मान्य है, परंतु इसे जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में नहीं देखा जा सकता। UIDAI ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड में जन्म तिथि दर्ज होने के बावजूद इसे कानूनी तौर पर जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में नहीं माना जा सकता। इसके पीछे कारण यह है कि आधार कार्ड में जन्म तिथि में बदलाव की सीमित अनुमति होती है, जो इसे विश्वसनीय नहीं बनाता। UIDAI ने इस दिशा निर्देश के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को केवल पहचान प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता दी और जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में इसे अस्वीकार कर दिया। यह नियम इस बात को पुष्टा करता है कि आधार का उद्देश्य केवल पहचान स्थापित करना है और इसके अन्य उपयोग पर सीमाएं हैं। किशोर न्याय अधिकार नियम 2015 का संदर्भ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में किशोर न्याय बच्चे की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 94 का ही हवाला दिया। इस अधिनियम के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की उम्र निर्धारित करनी हो तो प्राथमिकता के आधार पर स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र देखा जाना चाहिए। इस अधिनियम के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र या स्कूली प्रमाण पत्र जैसे प्रमाणिक दस्तावेज प्राथमिकता माने जाते हैं। इसके आधार पर अदालत ने यह कहा कि आधार कार्ड को जन्म तिथि प्रमाण के रूप में मान्यता का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसके विपरीत स्कूल प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज अधिक विश्वसनीय हैं। फैसले का व्यवसाय प्रभाव। कानूनी अस्पष्टता और मुआवजा मामलों में उपयोग। यह सुप्रीम कोर्ट का नियम कई कारणों से अहम है और इसका प्रभाव भविष्य में आने कानूनी मामलों को देखने को मिल सकता है। प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह नियम
यह स्पष्ट करता है कि आधार कार्ड को जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। इससे मुआवजा मामले में विशिष्ट रूप से सड़क दुर्घटना जैसे मामले में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता आएगी। UIDAI के दिशा निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह नियम महत्वपूर्ण है। इससे आधार कार्ड का उपयोग केवल पहचान के प्रमाण के रूप में ही किया जाएगा और जन्म तिथि जैसे संवेदनशील विवरण के लिए अधिक विश्वसनीय दस्तावेज का उपयोग किया जाएगा। यह फैसला किशोर न्याय अधिनियम के नियमों को भी सुदृढ़ करता है और बच्चे की उम्र के निर्धारण में स्कूल प्रमाण पत्र को प्राथमिकता देना अनिवार्य बनाता है और आधार कार्ड का प्रयोग इस संदर्भ में नहीं किया जा सकता। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि स्कूल प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज उम्र प्रमाणित करने के लिए अधिक विश्वसनीय है। निष्कर्षण: आधार कार्ड का सीमित उपयोग और कानूनी दिशा निर्देशों की पुष्टि। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस बात को स्पष्ट करता है कि आधार कार्ड को केवल पहचान के प्रमाण के रूप में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इसे जन्म तिथि प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। यह निर्णय UIDAI के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करता है और कानूनी मामलों में आधार कार्ड के सीमित उपयोग पर जोर देता है। सुप्रीम कोर्ट का यह नियम भविष्य में मुआवजा निर्धारण और अन्य कानूनी विवादों में भी अहम भूमिका निभाएगा और अन्य दस्तावेजों की विश्वसनीयता पर जोर देगा। इस नियम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड की भूमिका सीमित है और इसका इस्तेमाल केवल पहचान स्थापित करने के लिए ही किया जाना चाहिए, जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के लिए नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। थैंक यू।